हाय, मैं राजीव सर। कुछ विद्यार्थी हमें करके कमेंट बॉक्स में या किसी तरह क्या है व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से पूछते हैं कि सर बताइए एसएससी जीडी का फॉर्म कब आएगा, बताइए सर अगला एग्ज़ाम क्या क्या होगा, कब होगा, किस तरह से हम तैयार हो और किस तरह से तैयारी करें कि हमारी सफलता मिले और हम अपनी सपना को पूरा करें। तो बस हमें एक ही बात बताना है आपको, सपना पूरा करने के लिए एक दिन नहीं लगता है बाबू, बहुत समय के बाद एक सपना पूरा होता है। उसके लिए हर दिन और हर रात कर इकट्ठा करके सपना को पूरा किया जाता है। ऐसा होता है कि एक ही दिन में हम अपने सपने को पूरा कर ले तो ये कभी नहीं होता है। और रही सपने की बात, वो हमेशा पूरा होगा, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। पहली बात तो फोकस कीजिए कि एसएससी जीडी का फॉर्म कब आएगा, ये जान लीजिए कि एसएससी जीडी का फॉर्म आएगा लेकिन थोड़ा देर होगा, लेकिन दुरुस्त होगा। इससे पहले क्या है, अपनी तैयारी को दुरुस्त कर ले कि जब भी सरकार हमारी मौका दे फिर सोचने के ऊपर कि नहीं है कि हमें कर लेना है। क्योंकि सरकार को क्या है, किसी चीज़ को डिले करना, लेकिन हमारा क्या काम है, पेशेंस के साथ सरकार की टक्कर देना, अपने आप में पेशेंस रखना कि सरकार आप जब भी जॉब निकालेंगे ना हम बिल्कुल तैयार हैं, आप 10 सीट भी निकालेंगे ना तो हम बिल्कुल लेने के तैयार हैं, आप 40,000 निकालिए तब भी लेंगे, 5,000 निकाले तब भी लेंगे, लेकिन मेरा मकसद है कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे तो लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें तैयारी करना है तो करना है, और हम अपने माता पिता और गुरु का नाम रोशन करना है तो करना है। ये बस बहाना पॉइंट है कि एसएससी जीडी का कब आएगा क्या नहीं आएगा, जब आना है तो आएगा ही, बोल दिया गया नोटिफिकेशन में अनाउंसमेंट हो गया तो हो गया, 40 से 45 हो सकता है और 35 हो सकता है, लेकिन वैकेंसी नहीं रुकेगा, ये दम डिट्टो है। लेकिन अपनी पढ़ाई को रोक कर कन्फ्यूजन मत होइए, क्योंकि हमने बोलते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर ये साल 18-15 बीत गया तो फिर 18 बीत जाएगा और फिर 21 भी बीत जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा आपको, क्या मिलने वाला है समय बताइए। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं के बात हिसाब से कीजिए, तैयारी कीजिए, रोज सेट मारिए, हर तरह से इच्छा कीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आना ही है, सरकार को लेना ही है, कोई सरकार जाएंगे दूसरी सरकार आएंगे और वैकेंसी तो लाएंगे, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा ये होते रहता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अपने जो है वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, क्योंकि पेशेंस ही सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो हमेशा हर वीडियो में हम बोलते रहते हैं। इसलिए इस पेशेंस के साथ सही तरीका से तैयारी कीजिए, और पूरे विश्वास से कहते हैं कि जो पेशेंस के साथ तैयारी किए हैं ना वो बिल्कुल सफल हुए हैं, थोड़ा देर हुआ है लेकिन दुरुस्त ज़रूर हुआ है। कोई ऐसा बता दे दिल पे हाथ रख के कि हमने बहुत तैयारी की है और असफल हुए, नहीं, वो भी कुछ ना कुछ अचूक किए होंगे, गलती किए होंगे, या ढाबक हो या कुछ भी हो, लेकिन आपने कुछ ना कुछ गलती किए होंगे, सही से दौड़ नहीं पाए होंगे या सही से पढ़ नहीं पाए होंगे, इसलिए आप असफल हुए, नहीं तो सफल आप भी होते, सफल बिल्कुल होते। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि हमने जिस तरह से मेहनत करना चाहिए, जितने लोग मेहनत करते हैं उस तरह से मेहनत करते हैं कि नहीं करते। अगर ऐसा आप अगर सच में मेहनत करते हैं तो हमें विश्वास है कि आज न कल दुनिया का कोई भी काम हो आप बिल्कुल सफल होंगे, जिस अनुरूप से, बस उस क्षेत्र में नहीं तो दूसरे क्षेत्र में नहीं तो किसी क्षेत्र में जरूर होंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पापा, वो सही तरीके से तैयारी करना होगा, जितना हो पूरा स्टडी लगा लीजिए। अभी क्या है आपका समय, केवल पढ़ना लिखना करना, और क्या करना है बाबू, एक मिशन है करके दर खाना, नहीं तो कुछ नहीं, पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इससे भी भयानक स्थिति आने वाला है और इससे भी बराबर बेरोजगारी आने वाला है। इसलिए हम समझ जाओ, तुम भी समझ जाओ और आसपास को भी समझा दो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, बाय, खूब खुश रहिए, एनर्जी फुल रहिए।